दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूर सुधीर उपाध्याय। समूचे मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी लहर चल रही है। राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं, जिसे राजनीतिक भाषा में रेवड़ियां बांटना कहते हैं। जी हां, कोई लाडली बहना के नाम से कर रहा है, कोई गैस सिलेंडर के नाम से कर रहा है, और अपने अपने तरीके से मतों को रिझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही स्थानीय शासन विभाग के कर्मचारी पिछले 2 से 3 माह से अपना वेतन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह बात केवल किसी 1-2 जिलों की नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की है, जहां नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारी अपने ही वेतन प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं। अब ये कर्मचारी अपने संगठनों के माध्यम से बैठकें आयोजित कर एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी नेता तो बताते हैं कि आने वाली 31 तारीख को राजधानी भोपाल में ये सभी कर्मचारी लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर मध्य प्रदेश सरकार से अपने वेतन की भीख मांगेंगे। आश्चर्य यह है कि जब सरकार के खजाने में लोगों को बांटने के लिए इतना पैसा उपलब्ध है, तो अपने ही कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक सवाल भी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब कर्मचारियों को साधने के लिए वेतन इन कर्मचारियों का मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।